निर्माण हो रही इमारतें को हरे रंग से ही क्यों ढका जाता है, किसी और रंग के कपड़े से क्यों नहीं ढका जाता। दोस्तों, हम शहरों में या अपने आसपास जाते हैं तो जहां कहीं भी बड़ी बड़ी इमारतें बनते रहता है तो हमारा ध्यान बन रही इमारतें पर हरे रंग के कपड़ा ही देखता है। लेकिन आप लोग कभी ये सोचे हैं कि आखिर यह कपड़ा क्यों लगाया जाता है और यह हरा रंग का ही क्यों होता है? आपको बता दूं कि दरअसल कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जिन्हें अधिक ऊंचाइयों पर काम करने में डर लगता है और वो घबरा जाते हैं। ऐसे में इस कपड़े के लगे होने से उनका ध्यान बाहर की ओर नहीं भटकता है और वे अपने काम को अच्छे तरीका से कर पाते हैं। और कई लोगों का यह भी मानना है कि इमारत के निर्माण कार्य का स्थान पर काफी मात्रा में धूल मिट्टी सीमेंट उड़ते हैं जिसे इस कपड़े की सहायता से गिरने से रोक दिया जाता है और किसी आम नागरिक को इससे तकलीफ भी नहीं होती। और ज़्यादातर हरा रंग से ही इसलिए ढका जाता है क्योंकि यह रंग बाकी रंगों की तुलना में बहुत दूर से नज़र आ जाता है और दूर से ही पता भी चल जाता है कि आगे निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे हम पहले से ही सावधान हो जाते हैं। दोस्तों, इमारत से जुड़ी यह फैक्ट वीडियो आप सभी को कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए।